हम लोग एशिया कर रहे थे, ये एशिया पर दूसरा वीडियो, इसमें हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ एशियन मोनार्कीज, यानी एशिया के वे देश जहां राजशाही चलती है, जहां राजतंत्र चलता है, एशिया के ऐसे देशों के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी देंगे। अब ये जो राजतंत्र होता है, मोनार्की होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और दूसरा होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। यानी राजतंत्र दो प्रकार के, संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा एब्सोल्यूट माने निरपेक्ष राजतंत्र। तो राजतंत्र का मतलब होता है कि जहां एक हेरिडिटरी माने अनुवांशिक रूप से जो व्यक्ति होता है वह देश का शासक होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई संविधान नहीं होता, वही जो कहता है वही नियम वही कानून होता है, उसी के हिसाब से पूरा देश का शासन प्रशासन चलता है, ऐसी व्यवस्था को राजतंत्र कहा जाता है। अब ये राजतंत्र में यदि कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द लगा हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की माने उस देश का मुखिया राजा तो है, लेकिन राजा अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं करता, बल्कि वो जो कुछ भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करता है, और यदि राजा कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करता तो उसके लिए देश की पार्लियामेंट होती है देश में, या देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो इस बात को देखता है कि राजा संविधान से बना हुआ है या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एशिया में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाले 8 देश हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी दो प्रकार से माना जाता है, नंबर 1 एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की माने कार्यपालिक संवैधानिक राजतंत्र, जिसका मतलब ये होता है कि इस देश का जो मुखिया है राजा है, और वह देश का मुखिया भी है राजा भी है, और वह देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है, यानी उसके पास शक्तियां भी हैं, वो राजा भी है और संविधान के हिसाब से काम करता है। यदि ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और एशिया में ऐसे 4 देश हैं, भूटान, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत। ठीक, इन 4 देशों में एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। एक दूसरा होता है सेरेमोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी शोभायमान संवैधानिक राजतंत्र, जिसका मतलब यह होता है कि देश में राजा तो है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो केवल शोभा की वस्तु बन के रह गई है, बल्कि असली ताकत वहां पर चुनी हुई सरकार के पास है, ऐसे राजतंत्र को सेरेमोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है कंबोडिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड। यहां पर राजा है लेकिन वो नाम मात्र, आपको मालूम भी नहीं होगा, जापान राजतंत्र है लेकिन आज तक आपने जापान के राजाओं का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास रियल पावर नहीं होती, रियल पावर वहां के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें वहां के राजा ही देश का एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। तो ये 2 प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ऐसे देशों की संख्या भी एशिया में 4 है, और एग्जीक्यूटिव मोनार्की की संख्या भी 4 है। आपको ध्यान से समझना है, इन सारी चीजों में फर्क नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। अगला है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ये होता है कि देश में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, जो कुछ है वो राजा है, द किंग इज द हेड एंड एवरीथिंग ऑफ द स्टेट। ऐसे मोनार्की को एब्सोल्यूट मोनार्की कहा जाता है, जो कि पहले बहुत पहले राजतंत्र चला करता था, ये उसी का वर्तमान रूप है, ठीक है। और ऐसे देशों की संख्या दुनिया में, ऐसे देशों की संख्या है 7, जिनमें से 5 देश एशिया में, ब्रुनेई, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये 5 देश हैं। इसके अलावा अफ्रीका का एक देश है एस्टाविनी, या एटलस में आप देखेंगे स्वाजीलैंड, ही वही है, ठीक है, एस्टाविनी या स्वाजीलैंड। इसके अलावा वेटिकन सिटी, ये दुनिया के 7 एब्सोल्यूट मोनार्की वाले देश हैं। इसके अलावा वन पार्टी डिक्टेटरशिप, ये भी एक प्रकार का राजतंत्र ही है, जिसमें एक ही पार्टी चुनाव लड़ सकती है, एक ही पार्टी जीत के आता है, ठीक है। ज्यादातर ऐसा जो है वो दुनिया के कम्युनिस्ट कंट्रीज में पाई जाती है, ठीक है, जैसे चाइना है, रसिया है, ठीक। तो एशिया में इसके एग्जाम्पल है चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम। इसके अलावा दुनिया में क्यूबा और रसिया, छोड़ दिया था मैंने, क्यूबा, इरिट्रिया और रसिया, 3 अगर हम और जोड़ दें, ठीक है। तो दुनिया में वन पार्टी डिक्टेटरशिप वाले 7 देश हैं, 4 एशिया में हैं,
चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम, और ये सब कम्युनिस्ट है। क्यूबा, इरिट्रिया और रशिया इसमें और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ठीक, ये हो गया, तो ये सात देश, तो ये जानकारी हमें हो गई, ताकि जब कभी हम वन बाई वन कंट्रीज को पढ़ें तो बार बार हमें ये बताने की जरूरत ना पड़े कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है और कौन क्या है, ठीक है। चलिए अब एशिया में कुछ और चीज देखते हैं हम। इलीगल ओपियम या हीरोइन एरियाज, ओपियम माने अफीम और उसी से बनने वाले बाई प्रोडक्ट जो है वो हीरोइन वगैरह, चरस, गांजा, ये सब उससे बनते हैं, ठीक है। तो दुनिया में जो इलीगल ओपियम का जो क्षेत्र है, उस दो क्षेत्र है दुनिया में, ठीक। एक का नाम है गोल्डन क्रिसेंट, यानी स्वर्णिम चंद्रांश, आधा चांद को क्रिसेंट बोलते हैं, गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, कि गोल्डन क्रिसेंट का क्या मतलब है। तो गोल्डन क्रिसेंट पूरी दुनिया में अनैतिक रूप से, अब इलीगल रूप से ओपियम की खेती करने वाले देश, उसकी चोरी करके बेचने वाले देश, वो गोल्डन क्रिसेंट कहलाते हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान आते हैं। फिर एक है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल भी अफीम की खेती करने वाला इलीगल एक एरिया है, जिसमें आता है आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दुनिया में इलीगल ओपियम की खेती मैक्सिको और कोलंबिया में भी होती है। तो दुनिया में चार क्षेत्र हैं, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, मैक्सिको, कोलंबिया, ठीक है। चलिए ये बात हमने समझ ली, जिनमें से ये दोनों एशिया में है, मैक्सिको, कोलंबिया, तो मैंने जानकारी दी, बता दिया। इंडो चाइना पेनिनसुला एशिया में एक इलाका है, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में एक इलाका है, जहां प्राचीन काल में भारत और चीन दोनों की संस्कृति वहां पर पाई जाती थी, इसलिए उस पूरे इलाके को इंडो चाइना पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंडो चाइना पेनिनसुला, अ पेनिनसुला ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड अ कल्चरल रीजन कंसिस्टिंग थ्री फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज, साउथ ईस्ट एशिया के तीन देश जो पहले, इसके पहले फ्रांस के उपनिवेश रह चुके हैं और उसके पहले चाइना और इंडिया के कॉलोनी रह चुके हैं, इसलिए उनको इंडो चाइना कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है। इनमें तीन देश कौन कौन से आते हैं? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, VLC, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन तीनों को मिलाकर के इंडो चाइना कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए भारत और चीन के बीच की रिलेशनशिप को कभी भी इंडो चाइना रिलेशनशिप नहीं कहा जाता, इसीलिए उसको सिनो इंडिया रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जब कभी इंडो चाइना की बात होती है तो इंडो चाइना का मतलब होता है ये तीन देश, ठीक। चलिए, ये जानकारी हो गई। वर्ल्ड्स लीडिंग नेचुरल रबर प्रोड्यूसर, पूरी दुनिया में एशिया सबसे ज्यादा, एशिया के देशों में नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर होता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा रबर का प्रोड्यूसर थाईलैंड, नंबर दो पे इंडोनेशिया, नंबर तीन पे मलेशिया, नंबर चार पे वियतनाम, नंबर पांच पे इंडिया और नंबर छह पे चाइना। ये दुनिया के 80% रबर का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। फिर थोड़ी बड़ी आपका ब्राजील में और इक्वेडोर में, वो जो आपका, और थोड़ा बहुत जायरीन, ठीक है। तो लेकिन दुनिया का 80% रबर का प्रोडक्शन इन्हीं छह देशों में होता है, सबके सब एशिया में है, इसलिए मैंने एक अलग से लिख दिया है, ठीक। चलिए, अब हम लोग एशिया की एक एक कंट्रीज को देखेंगे अल्फाबेटिकल, और हम लोग शुरू करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निकनेम है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों की समाधि या साम्राज्यों की कब्रगाह, अफगानिस्तान को ऐसा निकनेम दिया गया है। हमें उसके पीछे नहीं पड़ना कि क्यों ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, OL का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, उस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोस्तो, और एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप जो है, यानी सबसे बड़ा जातीय समूह वहां पर जो है वो है पश्तून, और उसके बाद पठान, ठीक है। पश्तून भी पठान कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं, और ये जो पश्तून और पठान होते हैं ये सुन्नी मुसलमान होते हैं, ठीक है। एम्पायर्स, प्राचीन काल में जो अफगानिस्तान है इसमें दो बड़े साम्राज्यों ने शासन किया है, अब तो वहां पर साम्राज्य नहीं, अब तो वहां पर चुनी हुई सरकार है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, एक होतक एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर अफगानिस्तान पर शासन करती थी, ठीक है। और बहुत पहले यदि हम जाएं तो हमारे यहाँ से मौर्यंस, शक, कुषाण, पहलव, इंडिया ने भी काफी लंबे समय तक अफगानिस्तान पर शासन किया है, ठीक है, लेकिन अब हम वहां पर नहीं जाएंगे। इकोनॉमी, अफगानिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किन किन चीजों का है? पोमेग्रेनेट, जो पोमेग्रेनेट माने हिंदी में अनार, तो अनार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अफगानिस्तान। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है,
सैफरन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के बाद। इंडिया के कश्मीर में सैफरन होती है, उसी से लगा हुआ जो इलाका है अफगानिस्तान का, वहां पर केसर सैफरन माने। कारपेट बीबिंग, कारपेट बनाने की जो हस्तशिल्प है वो बहुत फेमस है अफगानिस्तान का। लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली एक नीले रंग का मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ब्लूइश मेटामॉर्फिक रॉक, जिसका काम डेकोरेटिव पर्पज में किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कीमती पत्थर है लैपिस लाजुली, और ये लैपिस लाजुली हम लोग पढ़ेंगे मुगल समय में। ठीक है, शाहजहां वगैरह ने काफी इसका उपयोग किया है। ठीक, अपना मयूर सिंहासन वगैरह जब बनवाया था तो लैपिस लाजुली के पत्थर उसमें लगे हुए। इसके अलावा भी हाल ही में अफगानिस्तान में भारी मात्रा में सोने की खोज हुई है। ठीक है, तो ये तमाम चीज उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, कैनाबिस या हसीस, अफीम का, गांजा का और हसीस का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जो अफगानिस्तान है। ठीक है, कुछ लोग अफीम को पोस्ता भी कहते हैं, क्योंकि पोस्तो लोगों द्वारा, क्योंकि यहां के लोग हैं पोस्तो या पश्तून। ठीक है, चलिए डैम्स, कुछ महत्वपूर्ण डैम्स, काजाकी डैम्स, इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। ठीक, इसी डैम का दूसरा नाम है सलमा डैम, और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण डैम है सरदेह बंद डैम। ये तीन महत्वपूर्ण डैम जो कि हेलमंड नदी पर पाए जाते हैं अफगानिस्तान के, यहां पर लोकेटेड है। इंडियन कंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान की बड़ी मदद करता है, बहुत अच्छे दोस्त हैं अफगानिस्तान और भारत, तो भारत जो है पाकिस्तान की बहुत सारे कार्यों में मदद करता है, जैसे सलमा बांध भारत ने बना के दिया अफगानिस्तान को, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वहां की भारत ने बनाई है, जारांच देलाराम हाईवे, एक वहां का बहुत फेमस हाईवे है। ठीक है, ये हाईवे बना करके भारत ने दिया है। इसके अलावा वहां की बहुत सारी स्कूल, हॉस्पिटल्स और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ब्रिजेस, पुल्स में भारत का बहुत बड़ा सहयोग जो है अफगानिस्तान को मिलता है। ठीक, अगली बात, रुबाब। रुबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सारंगी की तरह होता है, वो अफगानिस्तान से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सलमान खान की फिल्म में दिखाया गया है, कुछ गाना बजता है याद यार अफगाने का। ठीक है, अफगान जलेबी वाले गाने में, ठीक है, वो रुबाब बजते दिखाई देता। चलिए, तालिबान, तालिबानी कुछ लोग हैं, कौन है ये तालिबानी लोग देखते हैं, ये सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तालिबान अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है जिसमें 80% एरिया अफगानिस्तान का और 20% एरिया पाकिस्तान का लगता है। ये अपने आप को कट्टर इस्लामिक अपने आप को मानते हैं, और ये शरीयत के नियम के हिसाब से ही सारा नियम कानून अपने अफगानिस्तान में और पूरे इस्लामिक दुनिया में चलाना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये फंडामेंटलिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट माने कट्टरवादी, सुन्नी इस्लामिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम जगह जगह पर अपने शरीयत के नियम कानून को फैलाना है, और ऐसे देश जिनको इनको ऐसा लगता है कि ये शरीयत को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को ये अंजाम देते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना मुल्ला उमर द्वारा 1994 में, एक मुल्ला उमर नामक व्यक्ति अफगानिस्तान के, ठीक है, जो कि पश्तून सुन्नी इस्लामिक धर्म को मानने वाले, 1994 में इन्होंने स्थापना किया था। इसके हेडक्वार्टर दो जगह हैं, एक अफगानिस्तान के कांधार में और दूसरा पाकिस्तान की क्वेटा में। ठीक है, इनको दुनिया भर के जो कट्टरवादी इस्लामिक देश है वहां से इनको फंडिंग मिलती है। इसके अलावा ये इलीगल ओपियम ट्रेड करके अपना इकोनॉमी, अपना कारोबार चलाते हैं। ठीक है, चलिए यही पर एक और जानकारी हम लोग देख लेते हैं, सिया मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो इस्लाम है उसके दो बड़े ब्रांचेस हैं, एक सुन्नी और दूसरा सिया। तो पूरी दुनिया में लगभग 80% जो इस्लाम है वो सुन्नी को फॉलो करने वाले हैं, और लगभग 20% जो है वो सिया धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, अब सुन्नी सिया क्या होता है, कभी हम लोग रिलीजन में इसको डिटेल से समझेंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि जो सिया मुस्लिम वाली जो बड़ी बड़ी देश है दुनिया की, उसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन सिया मुस्लिम की पाई जाती है ईरान में, इसके बाद इराक में, फिर बहरीन में, फिर अजरबैजान में, फिर यमन में, और फिर लेबनान में। यही 6 देश हैं जहां पर मेजॉरिटी में सिया मुसलमान हैं। इसके अलावा इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, लेकिन माइनॉरिटी, जैसे लगभग 2-3% मुसलमान पाकिस्तान में है सिया, 2-3% हिंदुस्तान में है,
लगभग 8-10% इंडोनेशिया में, तो ऐसे माइनॉरिटी में लगभग हर देश में सिया मुसलमान पाए जाते हैं, ठीक है। और सिया सुन्नी एक दूसरे को अपने आप को काउंटर करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ईरान एक सिया डोमिनेटेड कंट्री है, अफगानिस्तान और जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, और इन दोनों की राइवलरी चलती रहती है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये सब सुन्नी मुस्लिम इस्लामिक देश हैं और इनकी अच्छी फ्रेंडशिप चलती रहती है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम अगली बात देखते हैं, बाखान कॉरिडोर। बाखान कॉरिडोर आप एटलस में देखिएगा, एक ऐसा क्वाड्रेंट जंक्शन है, क्वाड्रेंट जंक्शन माने एक ऐसा पॉइंट है जहां पर चार देशों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, हिंदुस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान। इन चार देशों की सीमाएं वहां पर मिलती हैं। वहीं पर 32 किलोमीटर लंबा एक नैरो स्ट्रिप है अफगानिस्तान में, जिसको बाखान कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है। आप एटलस में देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा अलग वहां पर लिखा हुआ बाखान। पासेस ऑन हिंदू कुश माउंटेन, अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा माउंटेन है हिंदू कुश माउंटेन, जो हिमालय का एक एक्सटेंशन है। और यहां पर तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर पास, गोमल पास और खोजल पास, ठीक है। रिवर, अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण नदियां हेलमंड नदी, काबुल नदी, हैरात नदी, खस नदी और फराह नदी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके बाद डिजर्ट्स, दो महत्वपूर्ण डिजर्ट्स अफगानिस्तान में है, दस्ते मार्गो और खस, ठीक। टूरिस्ट प्लेसेस अफगानिस्तान में दो तीन बड़े महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं। एक तो बानियान, बानियान में कुषाण पीरियड में जब इंडिया में कुषाण शासक रूल करते थे, कनिष्क वगैरह जिसमें थे, तो उन्होंने बुद्ध की सबसे बड़ी स्टैंडिंग स्टेच्यू, खड़ी वाली मूर्ति, दुनिया की वो सबसे टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्टेच्यू है, बानियान में बनाया गया है, जिसको तालिबानियों ने नष्ट कर दिया गया था और बाद में उसको फिर बनवा दिया गया है, ठीक है। 175 फीट दुनिया की सबसे लंबी स्टेच्यू है ये बुद्धा की, ठीक है। फिर हिप्पी ट्रेल, एक जगह है वहां पर दो तीन सिटियों को मिलाकर के वहां हिप्पी ट्रेल कहा जाता है। मिनारेट ऑफ जैम यानी जाम का मीनार अफगानिस्तान में। इसके अलावा मजार ए शरीफ, ठीक है, ये कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अफगानिस्तान में। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन अ बॉर्डर लाइन ड्रॉन बाय ब्रिटिशर्स इन 1893, 1893 में अंग्रेजों ने यह लाइन खींची थी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए, ठीक है ना। वर्तमान में यह दो देशों के बीच में, तीन देशों के बीच में सीमा बनाती है। पहला अफगानिस्तान पाकिस्तान, इसकी लंबाई है 2324 किलोमीटर, और दूसरा अफगानिस्तान इंडिया, इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। तो दो देशों के बीच में जो सीमा रेखा है अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया, उसको डूरंड लाइन कहते हैं, और उसकी टोटल लेंथ है 2430 किलोमीटर। अफगानिस्तान अफगान इन इंडिया, प्राचीन काल से लेके आज तक कुछ फेमस अफगानिस्तानी लोग भारत में आए, उन्होंने शासन भी किया, उनके नाम हम जानते हैं, सिकंदर एंड बहलोल लोधी। हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की अंतिम डायनेस्टी जो थी वो लोधी डायनेस्टी, और वो लोधी डायनेस्टी अफगान से आए थे और उसके फाउंडर थे सिकंदर एंड बहलोल लोधी। इसके अलावा शेर शाह सूरी गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी आया था भारत में आक्रमण करने, मोहम्मद गौरी ये भी भारत में आक्रमणकारी थे, ये सब खिलजी, मोहम्मद खिलजी है ना, और ये तमाम जो खिलजी डायनेस्टी के जो वेरियस लोग थे, तो ये सब अफगानी ऑरिजिन के लोग थे। आपको ध्यान रखना है मिडाइवल इंडिया में ये सारे नाम हमें आएंगे। फेमस पर्सनैलिटीज अफगानिस्तान के, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज देखते हैं। रूमी और जामी, ये बहुत महान पोएट हुए हैं अफगानिस्तान के, रूमी और जामी, ठीक। रुखसाना, ठीक, ये रुखसाना बोलते हैं, लेकिन ये अलेक्जेंडर से इनकी शादी हो गई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट से, तो उनकी पत्नी थी रुखसाना, ठीक है। राशिद खान क्रिकेटर है, दोस्त मोहम्मद खान बहुत फेमस पॉलिटिशियन हुए हैं वहां पर। अहमद शाह अब्दाली, ये भी एक इन्वेडर था और भारत पर आक्रमण किया, उसी का चेला था नादिर शाह, इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किया है मिडाइवल इंडिया में। हामिद करजई, इसके पहले भारत, इसके जो अभी वर्तमान में जो भी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, उसके पहले वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे हामिद करजई। और अहमद शाह दुर्रानी, अफगानिस्तान में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये दुर्रानी डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके फाउंडर थे अहमद शाह दुर्रानी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें अफगानिस्तान के बारे में हम लोगों ने जान लिया। हमारा पड़ोसी है तो कुछ बातें डिटेल से जानना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये सारी बातें हमें जो है फेस करना पड़ेगा, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें ये सब होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री हम लोग कोई और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।